मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी भाई आज लग रहा सभी सो रहे हैं क्या अरुण सचिन आकांक्षा अशोक अंशुमान गुड मॉर्निंग बच्चों, हिमांशु तो बच्चों आप लोगों का तीन चैप्टर हो गया है यूनिट वाइज बायो रिवीजन टेस्ट सीरीज का कौन कौन सा हो गया आपका लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम आज आपका लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम दो बजे इसका पी और को और शाम को छह बजे इसका रैपिड फायर आज पूरा पैक हो जाएगा आपका एक यूनिट आपकी झोली में एनसीआरटी वन की भी चली जाएगी तो यूनिट वाइज बायो रिविजन के जरिए हम लोग कितनी यूनिट कर लेंगे आज कंप्लीट दो एनसीआरटी की पहली यूनिट और एनसीआरटी फर्स्ट की पहली यूनिट नदिया संजय सचिन निधि सुभाष हिमांशु सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बच्चों तो बेटो जल्दी से आइए भाई क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो बेटा हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं आपका ग्रामिड से एनिमल किंगडम पेज नंबर फोर्टी सिक्सटी वन है टोटल पेज है सोलह और क्वेश्चन पूछे गए हैं चालीस बेटा ये जो क्वेश्चन होता है जो रिपीट होते हैं या जो जैसे एक बार में एक साल में दो एग्जाम है उसको इंक्लूड नहीं है अगर उसको इंक्लूड कर दोगे तो आपका पचपन से साठ क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट कौन सा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग देखें तो बेटा पेज नंबर 53 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सात क्वेश्चन पूछे गए 2020 में भी पूछा गया था इसके बाद 56 सिक्स से इसके बाद फिफ्टी और ये देखो ऐसे तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट देखो तिरपन यहाँ पे है पचास इक्यावन बावन तिरपन ठीक है ये चार पेज तो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे देखो बीस में भी क्वेश्चन है इक्कीस में भी है दस में भी है चौदह में भी है पंद्रह में भी है में भी अब आ, एनिमल किंगडम के साथ एक दुविधा ये रहती है बेटा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एक दो फाइलम को मिला के या तो मैचिंग टाइप का पूछा जाता है जैसे 2021 में मैचिंग आया 2020 में मैचिंग आया 2019 में मैचिंग आया तो जब मैचिंग टाइप के क्वेश्चन तो एक से ज्यादा पेज से रिलेशन रखते हैं ठीक है टेके? समझ रहा हूँ तो इसका मतलब हमें एनिमल किंगडम में दो पेज को छोड़ के सारे पढ़ने हैं और दो पेज वही पहला पेज का जो थोड़ा सा पार्ट होगा और लास्ट में जो नहीं तो सब कुछ पढ़ना है इसका क्योंकि एक तो बहुत बड़ा किंगडम है और छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं इसलिए इसका हर पेज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लियर क्लियर भाई तो एनिमल किंगडम का हर पेज पढ़ना है याद रखना जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक भी लाइन नहीं छोड़ना है तो वैसे ही इसका एक भी पेज नहीं छोड़ना है क्योंकि बेटा ये क्या करता है कि ये दो तीन पेजेस से मिला के क्वेश्चन बना देता है चलिए 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 आगे बढ़ जाए तो ध्यान रखिए बेटा इसका फिर हम से आपको दे देंगे लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है अब आप क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे वॉइस क्लियर नहीं है वॉइस क्लियर नहीं है अभी बच्चों कैसे सही है सही है नो no वॉइस अभी ठीक है ना अभी क्लियर नौ क्लियर ठीक है थैंक यू चलो तो चले गए एक सेकंड जरा बच्चों वेट करिए कोई बात नहीं बच्चों हो जाएगा आश सर कराएंगे तो हो जाएगा और अच्छे से तब तक लाइक कर लो सभी लोग अब बेटा हमें एनिमल किंगडम में कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखना है तो सबसे पहले हमें फोकस रखना है बेटा किस पे आपका क्लासिफिकेशन एनिमल का कौन सा कौन सा क्राइटेरिया गया जैसे सिमेट्री हो गई जैसे जर्म लेयर हो गई जैसे बॉडी कैविटी हो गई जैसे कि ट्रिप्लो है कि डिप्लोब्लास्टिक है कि क्या है इन सब चीजों को अच्छे से आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके मैचिंग टाइप में बहुत आते हैं हां भाई हम कल थे नहीं इसलिए नहीं करवाया था कोई बात नहीं ना आपको गुड मॉर्निंग काव्या चलिए बेटा आगे बढ़ते हम लोग अपना कार्यक्रम चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम और इसको कट कर, कर दो इसमें कोई बात ही नहीं बस याद रखना पहला ऐसा चैप्टर दिख रहा होगा जिसमें इंट्रोडक्शन में बहुत छोटी सी बात की गई क्यों हाँ करा देंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का बेसिस देखना बेटा चलिए कोई बात नहीं

इनमें कुछ चीजें क्या होती हैं कॉमन भी होती हैं जैसे कि बॉडी सिमेट्री हो सकती है जैसे कि नेचर ऑफ सिलोम हो गया पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है क्लोज है कि ओपन टाइप है इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है ठीक है ना मैडम ठीक है अभी आवाज सही करवा रहे हैं क्या अभी सही बेटा अभी सही है अभी सही है चलिए नाउ इट्स क्लियर ठीक है तो एक्चुअली बेटा हमें एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा जैसे बॉडी सीमेट्री किसमें क्या है सिलोम क्या है ये चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है बेटा संगठन किस संगठन की बॉडी है सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है सेल की लेवल की है कि टिश्यू की लेवल की है कि ऑर्गन की कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ठीक है।, है दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीशेलर ये बड़ी लाइन अच्छी मिली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमेलिया का सारा मेंबर कैसा है यूनिसेलर की मल्टी सेलर मल्टी सेलर है हेट्रोट्रॉफिक है और कैसा बेटा आपका यू कैरी है ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स लेकिन सभी ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलर है तो सभी का जो ऑर्गेनाइजेशन है सेम पैटर्न हो कोई सिंपल लेवल पे हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स लेवल पे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज एज आ लूज एग्रीगेट दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं स्पंज में ढेर सारे सेल हैं लेकिन सेल अभी लूजली जुड़े हुए हैं आपस में हंड्रेड परसेंट जुड़ के टिशू नहीं बनाए हैं क्योंकि याद रखना बेटा टिशू तभी बनता है जब उसके चारों तरफ क्या आ जाए टिश्यू फ्लोड जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ढेर सारे सेल मैंने ऐसे बना दिया ग्रुप ऑफ सेल्स तो बेटा ये टिश्यू नहीं है ग्रुप ऑफ सेल तो है लेकिन टिश्यू नहीं है क्यों नहीं है ज़रा देखो मैं अगर इस वन एक नंबर की और ये मान लो बारह नंबर की बात कर रहा हूँ ऐसे तो देखो ए और ये सेल आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है इसको जो न्यूट्रिय मिल रहा है उसको वो नहीं मिल रहा होगा सबका अलग अलग काम दिख रहा है तो ग्रुप ऑफ सेल तो हैं लेकिन टिश्यू नहीं कहलाएंगे लेकिन अगर इसको मुझे टिश्यू बनाना होगा तो क्या करना होगा बस बाहर क्या कर दो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए टिश्यू फ्लूड डाल दो यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूड और जैसे ही टिश्यू फ्लूड आ जाएगा अब आप इस फ्लूड में जो भी खाना जो भी ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिएंट्स दोगे सारे सेल को मिल जाएगा तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल एग्रीगेट और टिश्यू में डिफरेंट क्या है लगता है ना कि यार ग्रुप ऑफ सेल तो वो भी है बस वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं थी चलिए तो भाई सेलुलर लेवल कौन सा दिखाया बेटा आपका स्पंजेस सम डिवीजन ऑफ लेबर एनी एक्टिविटीज अकर एमाउंट द सेल्स अब एक अलग बात है कि आपका सेल का ग्रुप बना है तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा डिवीजन ऑफ लेबर कार्य का बंटवारा होना स्टार्ट हो गया होगा ठीक है जैसे आर साइड को क्या बोला गया भैया तुम रिप्रोडक्शन करो को साइड को क्या बोला गया तुम अपना क्या करो फ्लैजला लेके कैनाल सिस्टम में पानी लेके आओ ऐसा कुछ इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स अब भैया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी यानी क्या बन जाएगा टिश्यू हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टू टिश्यू हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर लेवल किस में पाया गया पोरीफेरा यानी स्पंज में और टिश्यू लेवल बेटा दो ग्रुप में पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आर स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल अब टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन जैसे एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल टिश्यू न्यूरल टिश्यू ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बेटा <coughs> ये सब मिलकर आपके क्या बनाते हैं ऑर्गन इज एग्जिबिटेड बाई मेम्बर्स ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस एंड द अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टूगेदर टू फार्म एंड ऑर्गन ईच स्पेशाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन जैसे लंग्स हमारे में क्या करेगा रेस्पायरेशन करेगा हार्ट क्या करेगा पंपिंग ऑफ ब्लड करेगा इन एनिमल्स लाइक एनिलिट्स आर्थोपोडा मोलस्का अब एनिमल में देखो प्लेटी हेलमेंथिस तक तो हो गया अब इसके बाद बेटा आपका एस्किलीडा ये सब की बात कर रहा है इकाइनोडर्म्स एंड कॉडेट्स ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बेटा एक्चुअली ये मैचिंग टाइप में आ भी चुका है क्वेश्चन मैचिंग टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना जैसे देखो नीट दो 2019 की मैचिंग में आया है तो आज शाम को जब दो बजे सैलेंसर आपका पी वाई क्यू कराएँगे हाँ वन शर्ट में हो जाएगा तो बेटा याद रखना कि जब पीवाचपी साइलेंसर कराएंगे तो वहां पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का तरीका क्या होता है तरीका यही है कि मैचिंग रहेगा उसमें से एक दो वर्ड बहुत फेमिलियर रहेंगे मतलब बहुत जाने पहचाने रहेंगे वो आपको पता होगा तो आंसर आप निकाल ले जाओगे आसान हो जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाएगा बेटा आपका एन टू कॉडेटा ऑर्गन सिस्टम इज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमेंथिस हैव वनली सिंगल ओपनिंग अब जरा देखो अभी इससे पहले इससे पहले अभी वहाँ पे क्या लिखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ था प्लेटी हेलमेंथिस ने ध्यान दो ध्यान दो और फिर कुछ लाइन के बाद ही लिख रहा है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एक्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ फिर ये भी बता रहा है कि यार इसमें ऑर्गन सिस्टम भी आ गया तो एक्चुअली जो प्लेटी हेलमेंथिस है उसमें पहली बार देखो वाइट सिलन टेटा टीनोफोरा तक क्या है टिश्यू तो पहली बार ऑर्गन कहाँ आया प्लेटी हेलमेंथिस में और वहीं पे ही अभी बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है लेकिन ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत भी हो गई थी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी एन ही ये बात लिखती है और जब लास्ट में भी जाओगे एक चार्ट बना होगा उसमें भी लिखा होगा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तो कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है तो ध्यान रखेंगे वो कन्फ्यूज रहता है सर ऑर्गन कि ऑर्गन सिस्टम माने क्लियर हो गया बोलिए भाई कोई बात नहीं बच्चा ऐसा ये बात क्लियर हुई यहीं पे मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन बाकी सब याद रहता है आपको तो क्या क्या क्लियर हो गया सेलुलर यानी सेल एग्रीगेट सेलेंट्रेटा सॉरी पोरीफेरा इसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरम बेटा टिश्यू लेवल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्लेटी हेलमेटिस से लेकिन प्लेटी हेलमेटिस में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल well डेवलप्ड नहीं है देखो लिखा भी है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हैज हैजनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ हैंड एन भाई एक ओपनिंग है उसे से खाना अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा तो माउथ मानो लो चाहे एन एस मान लो एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट तो भाई कैसा लग रहा है अरे यार अभी पूरा अच्छे से दोनों ओपनिंग नहीं बनी है कैसा होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि ऐसे समझ लो इनकी बॉडी कुछ इस प्रकार के रहे के। इस तो की रहेगी इससे एंट्री तो करेगी लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग बोल देते थे कभी कभी ब्लाइंड सैक जाने के बाद आपको आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा अंधा आपका क्या है कुआ है ऐसा तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या बोलते हैं इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ एंड एनस सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप उसी प्रकार से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा आपका एसकेल मंथ इसमें स्टार्ट हुआ अभी हम आपको सारे फाइनल में कौन सा सिस्टम पहली बार कंप्लीट क्या है बता देंगे अब इसके बाद आता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट एंड तो मतलब ओपन टाइप का याद होना चाहिए तो ओपन टाइप का आपका बेटा कहाँ कहाँ होगा तो सबसे पहले आता है बेटा एनिलिडा में एनिलिडा में जब पहली बार आया था सर्कुलेटरी सिस्टम लेकिन वो कैसा था क्लोज था उसके बाद मोलस्का हो गए और उसके बाद आपके इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव वन सिंगल ओपन यस राइट तो याद रखना कि सी वाले सी से क्लोज और जो सी वाले होते हैं इसमें क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एनेलिडा में तो होता ही होता है सिफेलोपोडा में मोलस्का के एक मेंबर होता है उसमें होता है और साथ ही साथ कॉडेटा में सिफेलोपोडा क्या है मेंबर्स ऑफ मोलस्का मोलस्का का मेंबर है सिफेलोपोडा तो याद रखना ओपन टाइप आपका आर्थोपोडा हो गया मोलस्का हो गया क्लोज टाइप आपका एनिलिडा कॉडेटा जबकि जो सिफेलो होता है उसमें भी बेटा जो मेम्बर ऑफ मुलास्का है उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ओपन और क्लोज का डिफिनीसन क्लोज टाइप में जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कंप्लीट होंगी कंटिन्यूस होंगी कहीं पे ब्रेक नहीं होंगी ध्यान रखना बेटा ओपन टाइप में भी ब्लड वेसल पाए जाएंगी लेकिन वो हो क्या होगा कि कहीं से रुकी होंगी ऐसे समझ लो ट्यूबवेल से पाइपलाइन लेके हुए मतलब नल से आपने पाइपलाइन लिया आपने अपने घर में उस पाइपलाइन को छोड़ दिया अलग अलग कमरों में ढेर सारे उसकी ब्रांचिंग बना के अब अपने आपके घर में क्या हो रहा पूरा पानी बह रहा है फिर एक किनारे से फिर ढेर सारी पाइपलाइन लगा के उस पानी को इकट्ठा कर लिया तो बीच में पूरा घर में पानी क्या है फैला हुआ है खुला हुआ है इसी को बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सिमेट्री चले आगे बढ़ जाए भाई सिमेट्री एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री स्पॉन्जेस आर मोस्टली ए सीमेट्रिकल दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इंटू टू इक्वल हाफ्स पहली बात <coughs> जब भी कोई आप सिमेट्री देखना तो प्लेन कहां से पास होना चाहिए सेंटर से ठीक है ना ऐसा नहीं कि हमको यहां से ऐसे काट दो तो सिमेट्रिकल दिख रहे कहां से पास होना चाहिए भाई सेंट्रल से अब भैया स्पंज में तो कोई सिमेट्री दिख नहीं रही जनरल बात कर रहे हैं अभी जब फाइलम पढ़ेंगे तो देखा जाएगा वेन एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिजम इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स दैट इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री रेडियस के लो <coughs> कौन कौन होगा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड इकाइनोडम्स और इकाइनोडम्स में <coughs> लिख लेना ब्रैकेट में एडल्ट हालांकि वहां पे आएगा जब फाइलम पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कौन होगा बेटा एडल्ट इकाइनोडम्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान तो क्या क्या हमने बोला ए सिमेट्रिकल लोग कौन हो गए स्पंजेस रेडली सिमेट्रिकल कौन कौन होंगे बेटा सिलेंड्रेटा टीनो फोरा एंड इकाइनो टमेटा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन वनली वन प्लेन एक ही प्लेन में इट इज एग्जिबिट बाय लेटरल जैसे हमें तो अगर हमें ऐसे बीचों बीच कट कर दो तो लेफ्ट और राइट दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं इसको बोलते हैं बाईलैटरल सिमेट्री <coughs> क्लियर हो गया तो सिमेट्री से भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं मैचिंग में रेडियल करके ऐसे आया हुआ है तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो भैया डिप्लोब्लास्टिक एक्चुअली क्या होता है दो जर्म लेयर तो दो जर्म लेयर में कौन कौन सी होगी एक्टो और इंडो होगी और ट्रिप्लो बेटा तीन होंगी यानी एक नई आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा एक्टोमीजो और इंडो चलिए एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू इम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म एक्टो मतलब बाहर इंडर मतलब अंदर आर डिप्लो ब्लास्टिक इसमें कौन आएंगे बेटा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म अब कहते हैं भाई जो एक्टोडर्म है और इंडोडर्म है बीच में कुछ खाली स्थान पड़ता है उसमें क्या होता है जो गोद भरा जाता है गोंद नुमा स्ट्रक्चर भर दिया जाता है और जो गोद होता है वो कैसा होता है अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ किसमें सेल में तो क्या बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड वर्ड याद रखिएगा अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब अभी भी अपने इसमें कोई बंटवारा हुआ नहीं है पता नहीं चलेगा कौन क्या है तो क्या एक क्वेश्चन बनेगा मीजोग्लिया ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा मीजोग्लिया में पाया जाएगा तो कौन होगा डिप्लो प्लास्टिक जरा देखो ये बना हुआ भी है आउटर एक्टोडर्म ये बीच अंदर वाला क्या होगा इंडर और ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है इसको क्या बोलते हैं मीजोग्लिया जेल लाइक ग्लू लाइक अब बेटा यही मीजोगिया कैसा बन जाए डिफ्रेंशिएट होकर सेल में बदल जाए तो क्या हो जाएगा एक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म तो कैसा हो जाएगा ट्रिपलो ब्लास्टिक क्या हो जाएगा मीजो मतलब बीच में ही होता है दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पैटी टू कॉडेटा अच्छा ये फीचर बड़ा अच्छा रहा याद रखिएगा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा डिप्लो ब्लास्टिक और प्लेटी टू कॉडेटा सारे के सारे क्या होते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं बहुत पुराना पूछा गया था 2010 में सिलोम से क्वेश्चन आते हैं बेटा याद होना चाहिए पहले हम लोग ए सिलोमेट देखते हैं अब जरा देखो ये लो एलिमेंट्री कैनाल वाली कैटी है एक्टोडर्म बना मीजोडर्म बना इंडोडर्म बना ये पूरी की पूरी बॉडी वाल दिख रही है और एक गट वाल है तो गट वाल और बॉडी वाल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं दिख रहा है लग रहा पूरा जैसे दोनों जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं कोई कैविटी ही नहीं दिख रही है बॉडी कैविटी नहीं दिख रही है तो क्या बोलोगे बेटा ए सिलोम सिलोम मतलब होता है कैविटी अब अगर तुम्हें कैविटी बनानी होगी तो क्या करोगे इस मीजो डर्म को थोड़ा सा कहते हट जाओ खसक जाओ रास्ता दू तो देखो धीरे धीरे ये बनना स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी ये पूरी कंप्लीट कैविटी नहीं है क्योंकि बीच बीच में ये पाउच नुमा पाया जा रहा है स्प्लिटेड फॉर्म में है इसको क्या बोलते हैं स्यूडोसिलोम क्या बोलते हैं बेटा स्यूडोसिलोम और जब ये आपका स्प्लिटेड पाउच में का क्या होगा ज्वाइन कर लेगा आपस में तो क्या बन जाएगा सिलोमेट अब देखो सिलोम क्या होगा ये तुम्हारा हो गया इतना वाला पोर्शन ए हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल की वाल यानी गट वाल और ये होगी तुम्हारी बॉडी यानी जो स्किन वाला पार्ट है बॉडी वाल अब देखो उसके बीच में क्या है स्पेस है पता नहीं क्यों इसको आपको समझने में इतना दिक्कत होती है सबसे आसान तो यही है कुछ नहीं है मान लो ये डब्बा तुम्हारी बॉडी है तो डब्बे की दीवाल जो है क्या होगी बॉडी वाल अब अंदर एठे ट्यूब और डाल दो वो क्या होगी तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल वाली ट्यूब उसकी दीवार जो उस डब्बे की दीवाल क्या होगी वो हो? एलिमेंट्री कैनाल की बाल होगी और अगर उनके बीच में स्पेस है और अंदर के टाइप ये डब्बा और वो बाहर के साइड किससे गिरा हो मीजो डर्म से तो क्या कहला जाएगा बेटा बॉडी कैबिटी देखो इधर के साइड से अंदर बॉडी वाल अंदर के साइड से किससे गिरी है मीजो डर्म और गट वाल बाहर से किससे गिरी है आपका मीजो डर्म तो दोनों साइड से क्या होना चाहिए बेटा मीजो डर्म बोलिए क्लियर तो भैया ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए सिलोमेट सुडोसिलोमेट सिलोमेट और ए सिलोमेट थैंक यू सुभाष भाई यस yes. चलो अब बेटा हमको इसमें एग्जांपल याद होना चाहिए क्या क्या हो गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म इज़ कॉल्ड सिलोम ध्यान रखना किससे गिरा होगा मीजोडर्म से दोनों तरफ एनिमल प्रोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट एग्जाम्पल देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ एनिलिडा से बस यही जहाँ से स्टार्ट हुआ वही याद करो आगे तो पाया जाएगा क्योंकि याद रखना इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आपको सारे फाइलम सिक्वेंस में याद होना चाहिए ऐसे पोरीफेरा सिलन टेटा टीनोफोरा प्लेटिन एसकेमें एनीलीडा आर्थोपोडा मोलस्काटा हेमिक, हेमिक्डेटा एंड कॉडेटा ऐसे सीक्वेंस में याद होना चाहिए अगर सीक्वेंस में नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए तो एनी टू क्वाडेटा सारे कैसे होते बेटा सिलोम वाले होते हैं यानी उसके पहले वाले में दो कैटेगरी आएगी कौन कौन सी सीडो और एसिलोमेट उससे जस्ट बगल में कौन था में वो क्या हो जाएगा? एस्कलमेथिसमेट और उसके पहले वाले सब क्या हो जाएंगे एसिलोमेट काम खत्म खत्म भैया इन एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म जैसे अभी ये दिखाया था इंस्टेंट ऑल द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस पाउच था इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म सच आ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम एंड द एनिमल्स प्रोसेसिंग दि आर कॉल्ड स्यूडो सिलोमेट्स एस्कलमैनथिस दूसरा नाम निमेटोडा भी बोलते हैं या निमेटे हेलमेंथिस बोलते हैं द एनिमल्स इन विच द बॉडी इज एब्सेंट आर कॉल्ड ए सिलोमेट और एग्जाम्पल होता है इसका बेटा प्लेथी हेलमेंथिस अब याद रखना कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नंदनी अपना पिक्सल क्वालिटी बढ़ा दो क्लियर है स्किन सर हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ए सिलोमेट पूछा जाए तो क्या लगाएं पोरी फेरा लगाएं सिलेंट्रेटा लगाएं तीनों फोरा लगाएं कि आपका प्लेटिन क्योंकि लक तो सारे रहे ए सिलोमेट हमने कहा बहुत सही बोला आपने इसमें कोई दो राय नहीं तो बेटा याद रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा आप जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ए ऑप्शन हो जाए मतलब एनिमल ग्रुप जैसे कि हो गया प्लेटी हेलमेंथिस हो गया आपका सिलेंट्रेटा हो गया आपका टीनोफोरा और चौथा ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज हो तो आप ऑल ऑफ दीज चूज कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं आंसर सही जाएगा लेकिन अगर चौथा ऑप्शन एनिलिडा दे दिया मान लो तो प्लेटी हेलमेंथिस हो गया आपका सिलेंट्रेटा हो गया टीनोफोरा हो गया और एनी अब इसमें आपके पास आ जाता है चॉइस तो बेटा एक्चुअली जो ए सिलोमेट वर्ड होता है जब तक तीनों जर्म लेयर ना हो तब तक बोलना सही नहीं माना जाता तो तीनों जर्म लेयर कहाँ होती है आपके यहाँ प्लेटी हेलमेंथिस में तो क्या आंसर लगाओ उस समय आप प्लेटी हेलमेंथिस तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं ठीक है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर दे देना लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाना वहां पर सेगमेंटेशन 2021 में सेगमेंटेशन से क्वेश्चन भी आया था मेटामेरिजन से इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इन सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम समन जिसमें कुछ आर्गन एटलीस्ट क्या करते हैं रिपीट करते हैं इस चैप्टर का अगर और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो हमने एक एक लेक्चर करके बनाया हुआ वहाँ पर आप देख सकते हो ये वन साट रिविजन है तो हर कॉन्सेप्ट तो पायलअप नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ अगर आपका पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें आपकी इनहेंस हो जाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट समन यानी कि इसमें हर बॉडी जो सेगमेंट है उसमें कोई ना कोई ऑर्गन रिपीट कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी कैविटी शो दिस पैटर्न काल मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनिना इज नोन एज मेटामेरिक ऐसे रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इस फिनना को क्या बोला जाता है मेटामैरिज फिर आता है आर्थोपोडा एनिलेडा में तो ट्रू हो गया मेटामैरिज टाइप का हो गया रिपीटेशन भी हो गया अब आर्थोपोडा में बोलते तो आर्थोपोडा की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है लेकिन एक्सटर्नल होता है बाहर की तरफ से और जो हम लोग कॉर्डेट्स रहते हैं हमारी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है लेकिन इंटरनल होता है बाहर से नहीं दिखता तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखाता है कौन सा इंटरनल सेगमेंटेशन दिखाता है तो आर्थोपोडा क्या दिखाएगा बेटा आपका एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉडेटा क्या दिखाएगा इंटरनल सेगमेंटेशन और एनिलेडा में बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लियर हो गया लाइन लिख लेना आप लोग हालांकि सुभाष चंद्र ने लिख दिया थैंक यू सुभाष बस उसमें आप डाल दो एक्सटर्नल इंटरनल का अब आता है बेटा नोटोकार्ड प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड नोटोकार्ड इज अजोडर्मली डिराइव्ड रॉड like स्ट्रक्चर तो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है देखो मसल की ओरिजिन भी मीजोडर्मल होती है हार्ट की ओरिजिन भी मीजोडर्मल होती है ब्लड वसल की ओरिजिन भी मीजोडर्मल होती है और नोटोकार्ड की भी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है स्ट्रक्चर फॉर्मड ऑन द डोरसल साइड ड्यूरिंग इम्ब्रानिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल कहाँ बनता है बेटा डॉर्सल साइड पर एक्चुअली यही नोटोकार्ड आगे चल के सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है तो जाहिर सी बात है आपका वर्टिब्रल कॉलम किस साइड पर आ जाता है डॉर्सल साइड तो कोई दिक्कत ही नहीं है एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट एंड दो एनिमल विद डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉडेट्स यानी पोरीफेराट से इकाइनोडर्मेटा तक हम लोग क्या मानते हैं नॉन कॉडेट्स हालांकि हेमी कॉडेटा भी एक ग्रुप और अलग कर दिया गया है तो पुरानी बात लिखी है हेमिकॉडेटा भी आपका कॉडेटा से बाहर फेंक दिया गया है यानी नॉन कॉर्डेट कैटेगरी में आता आपका यह कह सकते हो नॉन कॉर्डेट और कॉडेट की बीच की बात है हेमी मतलब होता आधा क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स द ब्रॉड क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मैंसन इन द प्रिस सेक्शन इज गिवन फिगर पॉइंट फोर पॉइंट फोर अब जितना भी बातें आप लोगों ने पढ़ा है उसको बेटा इस इसका प्रिंट आउट निकालिए आप ये जो ये फिगर दिया इसका प्रिंट आउट निकालिए और इसी में कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए खत्म हो जाए जैसे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलर पढ़ा होगा आपने टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पढ़ा होगा सिमेट्री भी पढ़ा होगा ए सीमेट्रिकल रेडियल एंड बायोलेटर और भी लिखा है सारे नहीं मोस्टली बॉडी कैविटी भी पढ़ा है ए सिलोमेट एलोमेट ए सिलोमेट सोडोसिलोमेट एंड सिलोमेट और फिर सारे फाइलम का नाम दे दिएगा पोरीफेरा सिलड्रेटा को निडेरिया टीनोफोरा प्लेटी एसकेल एनोलीडा आर्थोफोरा मुलास्का इकैनोडर्मेटा हेमिकॉडेटा एंड कॉडेटा अब देखो एक चीज़ और देखो देखो एनसीआर अब चीज़ें बढ़ा रही है यहाँ पर देखो इकाइनो डर्मेटा इसने स्टार लगाया हुआ है ये देखो क्योंकि हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता था देखो अब चीज़ें वो सही कर रहा है करेक्ट कर रहा है अच्छी चीज़ बनाया था उसने लेकिन इनकम्प्लीट था कैसे था यहाँ पे तुम देखते थे बायो लेटर में डाला गया था इकाइनो डर्मेटा तो लगता था कि मजाक क्या हो रहा है हमारे साथ बायो लेटर में कैसे आ सकता है इकॉनो डरमेटा देखो उसने स्टार मार दिया ताकि आपको क्लियरटी आ जाए और इस्टार का मतलब लिखा है इकानो डरमेटा एग्जिबिट रेडियल या सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज क्या आपकी एनसीआरटी में ये पॉइंट लिखा है नहीं लिखा है तो ये डाल लेना यानी कि आपका अब एक चीजें क्लियरिटी आ गई है हमको भी होता था कि ये इनकम्प्लीट है ठीक है अगर पुराने में ना होगा तो कर लीजिएगा और यही नीट 2020 में आया था कि कौन ट्रिप्लो ब्लास्टिक बायोलैट्रल एलोमेट है कौन जगह प्लेटी हेलमतीस <coughs> बहुत पुराना नहीं है 2020 का गुड मॉर्निंग शिवा तो बेटा ये वाला बोलना कि इस चार्ट को और लास्ट वाला चार्ट उसको उठाइए और सारे एग्जाम्पल और सारी यूनिक पॉइंट लिख के तीन पेज में एनिमल किंगडम बना डालिए आपको तीन पेज में ठीक है तो इसमें सारी चीजें हैं जो एक्सेप्शन दुनियादारी है अगल बगल में लिख दो आप काम खत्म आगे बढ़े अब हम लोग को फाइलम पढ़ना है तो मेंबर्स ऑफ द फाइल दिस फाइलम आर कॉमनली कार्ड स्पंजेस ये सब तो देखो आप पढ़ा है आपका फिगर याद होना चाहिए और कुछ चीजें जो होगी वो हम आपको बता देंगे बाकी बेटा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लोगे हो जाएगा चीजें क्लियर दे आर जनरली मेराइन तो बेटा ज्यादातर मेराइन होती है तो दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो जनरली मेराइन यानी फ्रेश वाटर भी होंगे और मोस्टली ए एमेट्रिकल मतलब कि कुछ सिमेट्री भी शो करते होंगे राइट दीज आर किसी को पता हो तो बताओ रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाता है अब आगे बात करते हैं दीज आर प्रिमेटिव मल्टी सेलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस्पांजेज है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम अब कई सारा बच्चा लोग यहाँ से एक कंफ्यूज करते हैं बेटा जब इकाइनो की बात करते हैं इकाइनो में बेटा वहाँ पे लिखा होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम अब बच्चा क्या करता है दोनों से कंफ्यूज कर जाता है कि सर इसमें भी इसमें तो याद रखना वो आपसे जब इकानो कराना होगा तो वहाँ पर लिखेगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम और जब उसको इसको कराना होगा पोरीफेरा वाला तो वहां पे लिखेगा कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर कट लिखेगा दोनों मंत्र है याद रखना ये सिंपल टाइप का वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है बोलिए भाई क्या बात है टेरोफाइलम एंजल वाटर इंटरस्ट्रोन थ्रो पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इन टू अ सेंट्रल कैविटी स्पांजोशील सील मतलब कैविटी स्पंज की कैविटी स्पांजोशील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम तो पहले बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता था वाटर इंट्री कहाँ से करेगा और एग्जिट कहाँ से करेगा तो वाटर की एंट्री किसके थ्रू होती है ऑस्ट्रिया के थ्रू तो बेटा एक बात बताओ एक घड़ा है आपका घड़े का जो मेन मुहाना है जिसमें पानी आप डालते हो वो क्या था बेटा ऑस्कुलम था और घड़े के अंदर का जो स्पेस है वो क्या है स्पांजो सील है और घड़े में ढेर सारे और छोटे छोटे छेद कर लो वो क्या है ऑस्टिया है अब घड़ा पानी में डुबाओ तो पानी तो हर जगह से जाएगा ऑस्कुलम के थ्रो भी अंदर जाएगा बोलिए तो ऐसा स्पॉन्ज ने क्या कर दिया कि खाली ऑस्टिया के थ्रो जा रहा था ऑस्कुलम के थ्रू नहीं जा रहा था उसका रीज़न ये था कि अब तुम का नया सिस्टम बनाओ तुम क्या करो उसी घड़े में क्या कर दो हर ऑस्ट्रिया के पास सक्सिंग कर लो पानी खींचने वाला पार्ट लगा दो तो हर ऑस्ट्रिया क्या करेगा पानी खींचेगा तो पानी भैया जब अंदर हर जगह से आएगा तो बाहर जाने वाला रास्ता क्या बचा खाली ऑस्कुलम तो यही कारण है ऑस्ट्रिया में बेटा यानी पानी खींचने वाले कोई सेल होते होंगे जैसे हमको अगर अपने इस रूम में पानी खींचना होगा तो पानी अगर बाहर से कोई नदी बह रही होगी तो क्या करेंगे ऐसे हाथ से पानी खींच लेंगे ठीक उसी प्रकार ये जो तुम्हारा बेटा स्पंजेस होता है ऑस्ट्रिया में फ्लैजलेटेड सेल पाया जाता है जिसका नाम होता तो है कॉलर सेल पूछा भी गया है कोएनोसाइट वो ऑस्ट्रिया को लाइन खेलता है और इस्पांजो सेल को घेरे रहता है तो वहाँ से पानी को अंदर अपने फ्लैजला के जरिए अंदर लेके आता है दिस पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग रेस्पायरेशन भाई अब खाना आएगा पानी आएगा तो ऑक्सीजन भी लाएगा फूड भी लाएगा और उसी में अपना वेस्ट भी आप डाल दीजिए क्वनोसाइट और कॉलर सेल्स लाइन द स्पांज जो सी लाइन द कैनाल्स डाइजेशन इज इंट्रा सेलर एक इंपॉर्टेंट लाइन था हमारे में डाइजेशन बेटा एक ट्यूब के अंदर बाहर होता है तो कैसा डाइजेशन है सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलर है लेकिन स्पंज में भी तो कोई ऐसा ट्यूब बना नहीं है तो कैसा डाइजेशन होता है बेटा इंट्रा सेलर डाइजेसन होता है द बॉडी इज सपोर्टेड बाई य स्केलेटन मेडअप ऑफ स्पेक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर चूंकि ये सेल के ढेर हैं तो बॉडी गिर ना जाए एक जो ऐसा मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बना है सेल का ढेर का तो ऐसा ही बना रहे तो क्या ना हो इसमें रॉड लगाओगे ही रॉड हार्ड होना चाहिए वही रॉड है कौन सा तुम्हारा इस इस्पेक्यूल या इस्पॉन्जिन फाइबर सेक्सेस और नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट बेटा सेक्सेस आपका सेपरेट नहीं है कहाँ तक प्लेटी हल मंथी से तो मत याद रखिए याद एस्कल से पहली बार सेक्सुअल डायमार्फिन पाया गया था एग एंड इस्परमार प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल स्पॉन्जे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई फार्मेशन ऑफ गैमिएट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंग फ्राम द एडल्ट एक जनरल पॉइंट है बेटा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा जहाँ पे एक्सटर्नल होगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी अलग से <laughs> डेवलपमेंट बेटा इसका इंडायरेक्ट होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कहने का मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट रहा 2015 में आया था और 2017 में कोयनोसाइड और कैनाल से लाया था फिगर भी याद होना चाहिए कौन किसका एग्जाम्पल है ठीक है तो साइकॉन हो गया यू स्पॉन्जिया हो गया स्पॉन्जिला हो गया साइकॉन का दूसरा नाम स्काइफा इस्पॉजिला होता है फ्रेश वाटर एंड यू स्पॉन्जिया इज बाथ स्पंज ये तो खाली तीन एग्जाम्पल दिए ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत हैं आपके यहाँ फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया दे आर एक्टी एंड मोस्टली मरीन तो सिलेंट्रेटा इस्पॉजेज ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे मरीन इन्वायरमेंट में और एकवेटिक होंगे सेसाइल और फ्री स्विंग सेसाइल मतलब होता है रुका हुआ ठहरा हुआ फ्री स्विंग मतलब तैरता हुआ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल द नेम ऑफ निडेरिया इज डिराइव फ्राम द नीडो ब्लास्ट और निडोसाइट असल बाद निडेरिया में ना एक सेल पाई जाती है जो चुभती है तो उसको क्या बोलते हैं नीडो ब्लास्ट या नीडोसाइट ब्लास्ट जब वर्ड आता है तो अभी ये क्या है इमैच्योर है मतलब अभी परिपक्व नहीं हुआ है और जब साइट लग जाता है यही ब्लास्ट क्या हो गया मैच्योर हो गया है तो क्या नाम लगा देते हैं साइट तो बेटा ब्लास्ट और साइट में बस यही अंतर है ठीक है ना ब्लास्ट और साइट में विच कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। अब बेटा ध्यान रखना इस कोशिका के अंदर एक कैप्सूल नुमा पार्ट होगा जिसके अंदर चुभने वाले सेल पार्ट होगा जिसका नाम होता है निमेटोसिस्ट तो ध्यान देना एक कैप्सूल का पार्ट है और ये पूरा सेल है तो सेल के अंदर एक कैप्सूल पाया जाता है जिसका नाम होता है निमेटोसिस्ट और ये सब पाए जाते हैं इनके ऑर्गेनिज्म के टंटकिल पे एंड द बॉडी निडो are आर फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रेन अब इसका फायदा क्या होगा एंकरेज मान लो अगर मेरे हाथ में चुभने वाली कोशिकाएं हों तो मैं ऐसे ये पट्ट से मारूंगा। जैसे ये चुभेगा यहाँ पे, तो मैं अपने आप को ऐसे लटका के पकड़ा भी रह सकता हूँ तो एंकरेज का, का काम करेगा तुम्हारे ऊपर मारूंगा, तो तुम्हें चोट लगेगी डिफेंस में काम करेगा अपने प्रे को मारूँगा तो मर जाएगा उसको खा लूँगा तो प्रे को पकड़ने में भी काम करेगा निडेरियन एक्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनेशन डिप्लोब्लास्टिक दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी विद इन अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर स्पॉन्जेस में क्या था कंप्लीटली इंट्रा सेलर था जबकि यहाँ पे सिलेंटरेटा में आपका बेटा दोनों होता है पार्टली एक्स्ट्रा सेलर एंड पार्टली इंट्रा सेलर तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा सिस्टम क्या बनाओगे स्पंज इंट्रा सिलेंट्रेडा टीनोफोरा पार्टली एक्स्ट्रा पार्टली इंट्रा इसके बाद आपका प्लेटी टू अनवर्ड एक्स्ट्रा सिल्वर ये आपको बनाना पड़ेगा एक एक करके सम ऑफ द निडेरियंस कोरल्स है स्केलेटन composed ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम यह आपको दे देंगे बना बनाया आज दे देंगे हालांकि आपके लास्ट में सारे फीचर दिए हुए हैं एक चार्ट के नुमा उसी में ऐड कर लीजिएगा प्रिंट करके सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल कोरल साहबा स्केलेटन कंपोज़ ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट निडेरियन एग्जिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। अब बेटा इसमें एक ट्यूब लाइक फॉर्म सिलेंड्रिकल होता है पॉलिप और एक छाता नुमा अम्ब्रेना लाइक फॉर्म होता है जिसका नाम होता है मेडुसा अब देखो पॉलिप फार्म द फार्मर मतलब पॉलिप फार्म इज सेसाइल है रुका हुआ है सिलेंड्रिकल फार्म है जैसे कि हाइड्रा और एडेम्सिया में पाया जाता है एडेमसिया क्या होता है बेटा आपका सी वेयर एज द लेटर इज लेटर मतलब मेडुसा फार्म अम्ब्रेला सेव्ड होगा और फ्री फ्री स्विमिंग होगा तो याद रखिएगा कि कौन होगा सिलेंडरकल से साइज तो पॉलिफ फार्म कहाँ पा जाएगा हाइड्रा एंड एडमसिया में और कौन सा होगा फ्री स्विमिंग फार्म तो वो जाएगा farm, हो जाएगा बेटा आपका मेडुसा फार्म अम्ब्रेला लाइक होगा और फ्री स्विमिंग होगा अरेलिया दूसरा नाम जेलीफिश में पाया जाता है ये तो रहा अलग अलग फार्म वाला लेकिन कुछ ऐसे भी बेटा निडेरियन मिले हैं जिसमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं वो अल्टरनेट करके कभी पॉलिप तो कभी मिडसा इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस दो निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडसा ए एंड मेडसा फॉम द पॉलिप सेक्सुअली तो याद रखना बेटा ए वाला जो लाइन है आपका क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ 2021 में ही आया है मेटाजेनेसिस वर्ड तो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है ओबेलिया में अब पूछा जाता है एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था तो पॉलिप से मेडसा और मेडसा से पॉलिप पॉलिप से मेडसा और मेडसा से पॉलिप तो एम पी सेक्स याद कर सकते हो तो मेडसा से पॉलिप कैसा बनेगा सेक्सुअली तो पॉलिप से मेडसा कैसा बनेगा ए सेक्सुअली एक याद कर लो हाँ भैया एलेवेंथ की है नीट की एग्जाम्पल्स फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भैया ये भी आपका 2021 में मैचिंग में था तो हर एग्ज़ाम्पल विद उसका कॉमन नेम तो जो आपका सिलेंट रेटर है ना उसके कॉमन नेम बहुत पूछे जाते हैं एडेम्सिया सी एनिमोन पेनेटोला पेन तो खुद ही लिखा है तो क्या हो जाएगा सी पेन गार्गोनिया सी फैन एंड मिंड्राइना इज ब्रेन कोरल तो बेटा इसके हर एग्जाम्पल के जो भी कॉमन नेम है ये आपके दिमाग में होने ही चाहिए फैसेलिया पॉर्टीज मैन ऑफ वार एडेम्सिया सी एनिमोन पेनेटोला सी पेन गार्गोनिया सी फैन मिंड्राइना ब्रेन कोलर तो बेटा अभी हम जैसे ही लास्ट होगा ना तो सारे एग्जाम्पल एक, एक साथ बोल देंगे जिससे आपके पास वो पॉइंट मिला रहेगा आपको जब दो तीन बार सुनोगे याद हो जाएगा आगे बढ़े भाई यहाँ तक क्लियर हुआ तो कुछ चीज़ें तो बेटा कॉमन रहती हैं कुछ चीज़ें स्पेशल हर फाइलम में हैं वही स्पेशल चीज़ आपको याद करनी है टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनेट या काम जेलिस कॉमन नाम तो याद ही होना चाहिए आर एक्सक्लूसिवली मरीन एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब बेटा होता है कि इसके मेंबर सिर्फ कौन से इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे मरीन में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको ऐसा टर्म आपको आगे चल के एक और मिलेगा आल आर मरीन यानी सारे मेंबर मरीन हैं। इकाइनोडर्मेटम मिलेगा इसके बाद बेटा आपका मिलेगा एक्सक्लूसिवली मरीन टर्म मिलेगा सब फाइलम सब फाइलम प्रोटोक्वाडेटा में किसमें मिलेगा सब फाइलम प्रोटोक्वाडेटा में अब स्पेशल फीचर रेडिली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल ए सबसे कॉमन फीचर रहा हमें स्पेशल देखना है बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल बेटा कैसा होगा आठ ओ बी एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन तो नाम क्या है कितने रो हैं फंक्शन क्या है क्योंकि 2021 में यही क्वेश्चन आया था और फंक्शन कुछ और दे दिया था गलत हो गया था तो नीट 2021 में मैचिंग टाइप का करने का था क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा आया हुआ है तो मैंने बोला था डाइजेशन इंट्रा सेलर स्टार्ट होता है आपका प्लेट तक तो यहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होगा तो बोथ एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलर बड़ा क्या है ना कि एक्चुअली हर फाइलम अपने आप में क्या है एक बड़ा सा चैप्टर नुमा है तो इस वजह से इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोगों को या आपको भी समझने में थोड़ा सा लगता है कि लैग कर रहा है या कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो सिंपल सा तरीका है कि प्योर एनसीईआरटी सी बेस्ट पढ़ लीजिए स्पेशल चीजों को अंडरलाइन करके उसको याद कर लीजिए बायोलिमनिशंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स ए पॉइंट अलग से मिला तो कॉम्प्लेट कॉमजली बायोलिमिशंस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट है तो मत याद करो ये कहां से सेपरेट होगा एक्लमेन से रिप्रोडक्शन टेक प्लेस वनली बाई सेक्सुअल मीन्स ए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा वनली बाय लिखा है इसका मतलब और भी वेजिटेटिव या सेक्सु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट रहा यस सुभाष चंद्रा फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल लो भाई पहला एग्जाम्पल एक्सटर्नल का मिल गया आपका टीनोफोरा अलग से लिखो अपनी किताब में यही खाली याद करना एक्सटर्नल वाला तो एक मिल गया टीनोफोरा लिख लो इसको अभी आगे और मिलेगा आपका इकैनोडर्मेटा ये सब तो वो सब हम लिखते जाएंगे एक मिला एक्सटर्नल क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे होते हैं इंटरनल तो ज़्यादातर जब इंटरनल है तो हमें एक्सटर्नल वाला याद कर लें तो ख़त्म हो गया पूरा समझ गया ना विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो अभी तक तो इनडायरेक्ट ही मिला मैं एग्जाम्पल बेटा प्लूरो ब्रैंकिया एंड टीनो प्लाना ये फिगर किसका दिया गया है ये दिया गया है टीनो फोरा का प्लूरो ब्रैकिया ठीक है तो हमने तीन फाइलम निपटा दिए क्या आगे बढ़ा जाए बोलिए सभी लोग जो बच्चे बेटा नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें यस सूर्यकांत राधे राधे हेमानी ठीक है सुभाष अब आता है बेटा फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस इसमें फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस में तीन वर्ड याद होना चाहिए ट्रिप्लोब्लास्टिक बायोलैट्रल सीमेट्री एलोमेट खतरनाक बॉडली डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंट का मतलब जैसे मेरा ये क्या वेंट्रल साइड हो गया और ये डार्सल साइड इसी तो क्या था धई के दबा दें इसको क्या बोलोगे डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हैम दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइड फॉर्म इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पैरासाइट होते हैं लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं इंडो यानी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे फ्लैट वर्म्स आर बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल ट्रिप्लो प्लास्टिक ए सिलोमीटर एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाएगा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या होता है इनकम्प्लीट वाला अब बेटा इनको अगर इंडो पैरासाइट है तो पता होगा आपको इंडो पैरासाइट को होस्ट के इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ स्पेशल एडाप्टेशन चाहिए होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे एनिमेंट्री कैनाल में कोई रह रहा हो तो हमारे में अंदर जो खाने की नली बह रही होगी नदी नुमा होगा उसके लिए तो तो बह जाएगा उसमें तो उसमें क्या पाती हुक एंड सकर हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म सम ऑफ देम एबजार्व न्यूट्रिय फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस स्पेशलाइज सेल ए बेटा हर जगह कई बार दिया बायोलॉजी में कहना पाँच बार आया है स्पेशलाइज सेल फ्लैम सेल्स दूसरा नाम होता है प्रोटोनफ्रेडिया वो हेल्प करता है आसमो रेगुलेशन एंड एसक्रिप्शन में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मत याद करो क्योंकि आपका सेक्सेस सेपरेट वर्ड कहां से आएगा एक्सकलमेंथी से फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मत याद करो डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज ये भी मत याद करो ज्यादातर जगह पे नॉन कॉडेटा में ज्यादातर जगह पे डेवलपमेंट कैसा है इनडायरेक्ट है जहां पे डायरेक्ट लिखा होगा हम लोग याद कर लेंगे एंड डेवलपमेंट इस थ्रो मेरी लार्वल स्टेज सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसिस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हुकर फ्लैम सेल या प्रोटोनिडिया और आपका प्लेनेरिया एग्जाम्पल है टीनिया टेप वन फेस्योला हिपेटिका लीवर फ्लू mm -hmm. एस्केलमें कुछ चीजें यहां से बदलेगी कुछ चीज़ें यहां से बदलेगी द बॉडी ऑफ एस्कल मैंथिस इज राउंड लिखो बदलाव यहां पे लिख लो बेटा बदलाव देखते क्या बदलाव है द बॉडी ऑफ एस्कल मिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हैंड द नेम राउंड वर्म इनकी बॉडी को जब कट करके सामने से देखोगे कैसा दिखेगा राउंड इसलिए कहते हैं सर्कुलर है राउंड वर्म दे मे बी अब देखो <coughs> वहाँ पे क्या लिखा था ज़्यादातर प्लेटी में इंडो पैरासाइट थे यहाँ पे फ्री लिविंग भी हैं हैंक्वेटिक भी हैं टेरिस्ट्रियल हैं पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जनरल लिख लो ऐसे समझ लो याद रहेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इकट्ठे याद कर लिया था कि से स्टार्ट हो जाता है तो उसके आगे सब में क्या होगा ऑर्गन ही होगा सिस्टम दे आर बायोलेट्रिकली ये भी मत याद करो ट्रिपलो ये भी मत याद करो ये याद करिए सीडोसिलोमेट क्योंकि ये सब कॉमन फीचर आप इकट्ठे याद कर चुके हो जब आपने लेबल ऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ा था सिमेट्री वगैरह एनमल एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट ये याद करिए तो पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आया था बेटा आपका एस्केलमेंट से तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक बार सुना देते हैं सुन लो पोरीफेरा में इंट्रा सेलोर तीनों फोरा सिलेंट्रेटा में बेटा एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है कंप्लीट नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एक ओपनिंग होती है जैसे कि फ्लैट वार्म इंट्रा सेल्लर तो है एक्स्ट्रा सेल्लर है फ्लैट वर्म में लेकिन इसमें एक ही ओपनिंग है अभी दो ओपनिंग नहीं बनी है तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है फ्लैट वर्म में एक्सकेल में एक्स्ट्रा अब जहाँ पर ट्यूब होगा सब में कैसा होगा एक्स्ट्रा सेल्लर ही होगा लेकिन एक्सकेल में पहली बार माउथ और एनस दोनों पाए गए हैं इसलिए क्या बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और लगता है एक ट्यूब में दूसरा ट्यूब डाला हुआ है इसलिए बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यस हिमांशु एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डबल्ड मस्कुलर फेरिंग्स और मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाएगा ऐसा नहीं कि यहीं आगे भी पाया जाएगा लेकिन यहां से स्टार्ट हुआ <coughs> एन एस्क्रेटरी ट्यूब रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी कैविटी थ्रू द एस्क्रेटरी पोर तो इसको बोलते थे याद करो रेनेट सेल सेक्सेस आर सेपरेट डायोसियस हाँ ये रहा है पहली बार लिखो पहली बार पहली बार यहीं से स्टार्ट हुआ है दैट इज मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट ऑफ एन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स आपको पता होगा इनवर्टिब्रेट में या कह सकते हो नॉन कॉर्डिट एनिमल में प्लांट में इन सब में फीमेल का जलवा ज़्यादा रहता है तो दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंग ऑफ एन फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो फर्टिलाइजेशन नहीं याद करना लेकिन डेवलपमेंट याद करना है आपको क्योंकि आपको यहाँ पे पहली बार दिख रहा है कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है तो ये आपके लिए याद करने रहा ये चीज़ें याद कर सकते हो एग्जाम्पल क्या हो गया एस्केरिस राउंड वर्म वुचरेरिया फ्लैरियल वर्म एंकास्टोमा हुकर्म और एक एक चीज आई है विद फिगर आई है विद डिजीज भी आई है कॉमन नाम भी आया है तो एस्केरिस होता है बेटा राउंड वर्म वचरेरिया होता है आपका फ्लेरियल वर्म एंकाइलोस्टोमा होता है बेटा आपका हुक वर्म ये देखो मेल और फीमेल तो फीमेल देखो काफ़ी बड़ी दिख रही है अब देखो बाहर से देखें साइज से भी पता चल जाता है दूसरा एक और डिस्टिंग देखो ये देखो टेल देखो मेल की टेल काफ़ी कर्व है और फीमेल की टेल देखो कर्व नहीं है आपको एक आश्चर्य की बात बता रहे थे तो पहले हम भी सोचते थे यार ये देखो कर्व तो है ये भी अरे उसकी बॉडी है यार घूम गई है अलग बात है अब इतने लंबा सा एक फ्लेक्सिबल बॉडी पाइप रखोगे तो वो तो मुड़ती ही रहेगी मुड़ जाएगी कहीं ना कहीं से ये भी सीधी हो सकती है लेकिन टेल तो यहाँ है ना ये है टेल ये देखो सीधी है टेल मुड़ी नहीं है हाँ लोग सोच लेते हैं कई लोग के दिमाग में आता है तो देखना टेल के पास जाने का मतलब एकदम टर्मिनल पहुँचो हाँ मेल बैठते हैं फाइलम एनिलिडा <code trimming> तो एस्कल में बेटा क्या हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउट टू एनएस आया टू विद इन टू बॉडी प्लान आया मस्कुलर फेरिंग्स आया डायोसी आया मतलब कि पहली बार मेल और फीमेल डिस्टिंग थे फीमेल ज़्यादातर लॉन्गर होती थी और साथ ही साथ मेल का अगर एस्केरिस एकस, एक्सकेरिस में देखना होगा तो मेल का जो टेल होता है वो कैसा होता है कर्व होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है डेवलपमेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एनेलिडा पढ़ दे भाई दे मे बी एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल फ्री लिविंग सम टाइम पैरासिटिक मत याद करो सारी चीज़ें हैं तो हाँ लेकिन ये याद रख रखते हूँ तो, कि सम टाइम पैरासिटिक भी हो सकते हैं दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ना याद करना है बायोलेट्रल ना याद करना है ट्रिप्लोब्लास्टिक ना याद करना है यहाँ से याद करना है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स ये सब तो आप जनरल फीचर में एक ही बार पढ़ चुके हो देयर बॉडी सर्फेज इज डिटिक मार्ट आउट इंटू अ सेगमेंट ऑफ मेटामियस ये भी जनरल में पढ़ चुके थे कि इनकी बॉडी क्या होती है एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड होती है विद रिपीटेशन ऑफ सर्टेन आर्गन इसीलिए कहते हैं बॉडी इनकी मेटामिकली सेगमेंटेड होती है इसीलिए इनका नाम रखा गया था एनिलिडा एनुलस लेटिन वर्ड है लिटिल रिंग दे प्रोसेस लॉन्गिट्यूडन है सर्कुलर मसल ये याद करना होगा दे पॉजिज लॉन्गी ट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन एक्वेटिक एनलिट्स लाइक नेरिस पॉसिस लेटरल अपेडेजिस पैरापोडिया पैरापोडिया आपका पूछा गया था 2016 में लेकिन पैरापोडिया नहीं पूछा गया था आर्थोपोडा के फंक्शन पूछे गए थे कौन फंक्शन नहीं है आर्थोपोडा का ऐसा करके क्वेश्चन आया था तो पैरापोडिया तो यहाँ दिख रहा है वहाँ पर तो ज्वाइंटेड लेग होता है याद कि जो पैरापोडिया होता है बेटा ये आपका एक्वेटिक फार्म में दिखेगा और एक्वेटिक फार्म में है तो क्या करेगा तैरने में मदद करेगा अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रजेंट सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज आपको पता कहां कहाँ आया है एनिलिडा सिफेलोपोडा एंड कॉडेटा नेफ्रिडिया सिंगल नेफ्रीडियम हेल्प इन आसमो रेगुलेशन एंड एस्क्रेशन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गेंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कार्ड देखो याद रखना जो नॉन कॉर्डेड होते हैं उनका जो नर्व कार्ड होता है वो वेंट्रल साइड होता है जबकि हमारा किस साइड होता है पीछे डॉर्सल साइड स्पाइनल कॉर्ड जैसे इनमें अभी ब्रेन नहीं है यहाँ पे ग्रुप ऑफ साइटान होते हैं जिसको बोलते हैं गेंगलिया तो पेयर्ड गेंगलिया होंगे आपस में लेटरली ऐसे कनेक्टेड होंगे और ऐसे वेंट्रल नर्व कार्ड गई होगी डबल ठीक है <coughs> नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस बट अर्थवाम एंड लीचे आर मोनिशियस रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल तो कहने का मतलब बेटा डायोसी कहां से स्टार्ट हुई थी एसकल मिनतीस से तो अब आगे चलेगी ही चलेगी उसमें से कोई एक्सेप्शन होंगे जिसमें क्या होगी मोनिशियस कंडीशन पाई जाएगी जैसे कि याद कर लो नेरिस एक्वेटिक फार्म में कैसा होगा डायोसियस जबकि अर्थवाम और हीरोडोनरिया यानी लीच है ये कैसे मोनिशियस हैं ये आपको याद होना चाहिए डायोसिक स्टार्ट पहली बार कहां से हुआ था मिंथिस से। नो सर हाँ स्पीड बढ़ा रहे हैं भाई एग्जाम्पल नेरिस फेरेटिमा अर्थवाम एंड हेरूडोनरिया ब्लड सकिंग लीच एक बार क्वेश्चन आया था डज नॉट अंडर गो मेटामार्फोसिस नीट दो हजार अठारह मेटा वही करेगा जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो लार्वल स्टेज पाए जाए तो बेटा अर्थवाम याद रखिएगा अर्थवाम आप जब पढ़ोगे अलग से तो वहाँ पे दिया हुआ वही है कि वहाँ पे जो अर्थवाम के बच्चे होते हैं उसको लिखा बेबी अर्थवाम लार्वा नहीं डाला है बेबी हम लोग में भी यूज होता है कि हमारे भी बच्चों में बदलाव नहीं होता जो ह्यूमन का बच्चा पैदा होता है उसको खींच के बड़ा कर दो तो हमारे जैसा ही दिखेगा कोई बदलाव तो ऐसा नहीं हुआ ना आर्थोपोडा फाइलम आर्थोपोडा श्रुति साढ़े सात बजे फाइलम आर्थोपोडा दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिलिडा एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थोपोट्स कहते हैं सबसे बड़ा फाइलम कौन है आर्थोपोडा यानी सबसे ज़्यादा स्पीसीज का नंबर कौन होगा आर्थोपोडा अरे इंसेक्टा ग्रुप है और 70 परसेंट से ज़्यादा एनिमल का कौन सा पार्ट होता है इंसेक्ट होते हैं तो ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थोपोड दे हैव ऑर्गन सिस्टम bilateral ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड सेलोमेट एनिमल ये तो कॉमन फीचर आपको एक बार याद हो गया तो दस बार क्यों याद करने जाओगे बॉडी सेगमेंटेड होती है लेकिन कैसी होती है एक्सटर्नली द बॉडी ऑफ आर्थोपोड इज कवर्ड बाई काइटिनियस एक्जो स्केलेटन शायद इसी काइटीनस एक्जो स्केलेटन के कारण ये ज्यादा डायवर्सिफाइड हैं ज्यादा ठीक है ना हाँ भाई ज्यादा डायवर्सिटीफाइड हैं और बचे हुए हैं यही रीजन है कि इनका एक्जो स्केलेटन काइटिनस था यही कारण है कि हम लोग मारते मारते थक गए लेकिन ये मर नहीं रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहे हैं हिट लाओ क्या काला हिट लाओ चाहे पीला हिट लाओ चाहे लाल हिट लाओ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरेक्स एंड एब्रामोन ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेज अर्थात मतलब ज्वाइंट अपेंडेज मतलब पैर पोडा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम इनके रेस्पायरेटरी ऑर्गन आपको याद करने पड़ेंगे एक नहीं है गिल्स एक्वेटिक फार्म में होगा बुक गिल्स हो गया आपका किंग क्रैब में बुकलंग्स हो जाएगा आपका बेटा एरक्नेडा इसकॉर्पिय में और ट्रैकिअल सिस्टम टेरेस्टियल फॉर्म में आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी आइज कंपाउंड आई सिंपल आई स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रजेंट इनको हवा में क्या करना पड़ता है फ्लाइट करना पड़ता है तो इनकी बॉडी बैलेंस रहे इसलिए इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन पाया जाता है स्टैटोसिस्ट इंपॉर्टेंट रहा आपका स्टैटोसिस्ट दे आर मोस्टली डायोसियस डायोसियो में भी होगी क्योंकि बार स्टार्ट गया फर्टिलाइजेशन इंटरनल मत याद करो जहां जहां एक्सटर्नल होगा वही याद करेंगे दे आर मोस्टली ओबी पैरस ए याद डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो जो और करके दिया जाए उसके मत याद करो स्पेशल याद करिए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले कौन कौन से आ चुके हैं अभी आपके पास एक आ गया बेटा आपका ऐसे एस्कल से स्टार्ट हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ठीक है एग्जाम्पल्स इका एक, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन होंगे एपिस हनी देगी बॉम्बिक्स सिल्फर्म देगा लेसिफर लाग देगा 2019 में मैचिंग में आया हुआ है वेक्टर में बेटा आपका एनाफ्लीज होगा क्यूलेक्स होगा और एडीज होगा फीमेल एनाफ्लीज मलेरियल पैरासाइट का वेक्टर होता है क्यूलेक्स बेटा आपका एडिस और वचरेरिया क्यूलेक्स आपका फेलेरियल वर्म होता है उसका वेक्टर होगा और एडीस होगा डेंगू और चिकोगिया का ग्रिगेरियस पेस्ट झुंड वाले पेस्ट कौन कौन से होंगे दैट इज लोकस्टा यानी लोकस्ट लिविंग फॉसिल ल्यूबलस किंग क्रैक देख रहे हो मैचिंग 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 लिख रहे हैं मतलब इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल उठा के डाल देगा खास करके ये तुम्हारा ग्रिगेरियस पेस्ट और लिविंग फॉसिल ल्यूमलस बड़ा प्यार हो गया लग रहा है एग्जामर को इससे लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल बड़ा बार डाला गया है मैचिंग में यस yes, सुभाष चंद्र तो बेटा याद रखना चाहिए ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा होता है ठीक है जो आप टिड्डा देखते हो ना ग्रास हॉपर अकेले रहा तो क्या बोलोगे टिड्डा झुंड में रहा तो क्या बोलोगे उसको लोकोस्ट हिंदी में लोग बोलते हैं टिड्डी झुंड फ़ाइलम मोलस्का इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट है इंपॉर्टेंट रहा ट्रेस्टियल एक्वेटिक मरीन और फ्रेश वाटर ऑर्गन सिस्टम बायोलैट्रली ट्रिप्लो सिलोमेट यहाँ तक मत याद करो खाली ला सेकेंड लार्जेस्ट बाद यहाँ तक की बातें आपको याद होती है मोलस्का की बॉडी इज अ कैल्केरियस सेल एंड इज़ अनसेगमेंटेड ये याद करना पड़ेगा आपको कैलकेरियस सेल याद करिए घूंगे वगैरह जो लेते हुए स्नेल वगैरह उसके बॉडी के चारों तरफ क्या पाया जाता है कैलकेरियस सेल तो पाया जाता है तो याद करने वाली बात नहीं अनसेगमेंटेड होगी इनके बॉडी पार्ट डिवाइडेड होते हैं हेड मस्कुलर फूड एंड विसरल हम ये याद होना चाहिए जैसे वहाँ आर्थोपोडा में क्या था हेड थोरेक्स और एबडामिन ठीक उसी प्रकार से इनकी बॉडी पार्ट डिवाइडेड होती थी हेड मस्कुलर फूड एंड विसरल हम अब विसरल हम के ऊपर एक बड़ा सॉफ्ट लेयर पाई जाती है जिसका नाम जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया आपका विसरल हम हेड और मस्कुलर फूड तो इसके ऊपर एक क्या पाई जाएगी लेयर जिसको बोलते हैं मेंटल लेयर अब विसरल हम और मेंटल लेयर के बीच में कैविटी पाई जाएगी उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी और वहीं पे फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प दीज स्पेस द स्पेस बिटवीन हम एंड द मेंटल कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एस्पिरेटरी फंक्शन और इसका फंक्शन क्या हो गया रेस्पायरेशन एज वेल एज एस्क्रिशन द माउथ कंटेनर फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन पकड़ने वाला ठीक है ना तो याद करो जैसे कोई चीज़ तुम लोग फाइल बनाते हो तो जैसे कोई पेज वगैरह को अगर दबा के रखना हो तो उसको फाइलिंग करते हैं जैसे वो क्या दबा रहे पकड़ा रहे तो ठीक उसी प्रकार से जब माउथ के अंदर पेज आता होगा ना इनको पकड़ने में काम करता है तो माउथ यानी फीडिंग का काम हुआ जिसका नाम होगा रेडुला एक कई बार पूछा गया रेडुला 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 तो बड़ा फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन कौन होता है रेडुला कहाँ पाया जाता है मोलस्का में और ये पॉइंट जानना चाहिए फीदर लाइक गिल्स कहाँ पाया जाएगा तो मान लीजिए अगर मेरा सर को मान लीजिए विसरल हम्प है इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा लगा दिया इसकी स्पॉन्जी इस लेयर का तो उस कपड़े और मेरे सर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे मेंटल कैविटी और कपड़े का नाम होगा मेंटल इसका बेटा एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट दे आर यूजुअली डायोसियस ओ वी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओ वी तो ठीक है बी वी तो अभी आई नहीं है कुछ मेंबर में होगी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है डायरेक्ट होता तो याद भी कर लेते शुरू में डायोसियस है तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादातर कैसे होते हैं डायोसियस एग्जाम्पल तो बेटा इसके कहीं ना कहीं डाल जैसे पायला एप्पल स्नैल पिंक टाडा पर्लोस्टर सेपिया कटल फिश लॉलीगो स्क्विड ऑक्टोपस डेबल फिश एप्लीशिया सी हेयर नाम लग रहा है सी हेयर खरगोश कोई हो डेंटेलियम टल कीटोप्लोरा कायटॉन तो इसके ये कटल फिश है लग रहा है मछली है लेकिन क्या है बेटा मोलस का इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं याद रखिएगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा दीज एनिमल्स है इंडो स्कर्टन ऑफ कैल्केरियस ऑस्किल एंड नेम इकाइनो डब्स तो इकाइनो मतलब होता है बेटा क्या होता है कि स्पाइन लाइक डरम मतलब होता है स्किन स्पाइनी बॉडीड आल आर मरीन मैंने ऑलरेडी अलग से आपको लिख दिया था इसका याद करिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एक्सक्लूसिवली मरीन तीनों टीनोफोरा में आपको लिखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिसन एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर लारवाट्रिकली सिमेट्रिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है शुरू में ही दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेड एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट विद माउथ हाँ एक पॉइंट रहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो कम्प्लीट होता है लेकिन जैसे मेरे हाथ को मान लो एक पाँच उंगलियाँ स्टार फिश हैं तो माउथ कहाँ हो गए यहाँ नीचे की तरफ तो ये कौन सा साइड होता है जो फ्लोर को देखता है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड तो माउथ ऑन लोअर या वेंट्रल साइड और एनस ऑन डार्सल या अपर साइड माउथ ऑन द लोअर या वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर या डार्सल साइड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकर्ना डॉमेटा इज प्रजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कन्फ्यूज मत कर जाइएगा वहां पे अगर पूछेगा इस्पन्जेस वाला तो वहाँ पे क्या होगा बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमो अब फंक्शन देखो लोकोमोशन होगा कैप्चर ऑफ प्रे होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होगा रेस्पायरेशन होगा एस्क्रेशन होगा सेक्सेस आर सेपरेट रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल जनरली इनमें एक्सक्यूरिटी सिस्टम नहीं दिखेगा लिखा है तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा तो बताइए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दो एग्जाम्पल अभी तक कितने कौन कौन पड़े जरा किसको देखे याद हैं दो हम बोला था दो एक फाइलम आ गए जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्ड दिया गया है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। काओ इकानस एस्टीरियासटार फिश इकाइनस सीअर्चिन एंटीडॉन सी लिली सी ककम्बर ऑफ योरा बेटर स्टार इनके मेंबर के नाम ऐसे लगते हैं बेटा जैसे कि कोई प्लांट हो यहाँ सी लिली लगेगा लिली बहुत लोग पूछोगे तो कहेंगे क्या होगा फ्लावर होगा सी ककम्बर तो क्या लगेंगे जैसे खीरा तो बेटा अगर आपको याद हो तो दो फाइलम ऐसे अभी आप तक पढ़ चुके हो जहां पे एक्सटर्नल वर्ड आया था टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा इसलिए कह रहे थे अलग से लिखते जाइए यस निवेदिता यू आर राइट रुमाना यू आर राइट यस शिवम तो टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा हो गया तो हमारी चीज़ें क्या हो गई कंपाइल भी हो गई एक साथ जुड़ गई तो मैंने आपको बोला है कि इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को अलग अलग करके रखो एग्ज़ाम्पल अलग याद करो डिस्टिंक्टिव फीचर वहाँ पे अलग से दिया हुआ है वो याद कर लो ख़त्म फाइलम हेमिक ऑडेटा कहा गया था बेटा कि जो फाइलम हेमिक ऑडेटा है इसको पहले हम लोग कॉडेटा में रखते थे लेकिन अब इसको उठा के अलग रख दिया गया तो हेमिकॉडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉडेटा तो फाइलम कॉडेटा का एक सब फाइलम था हेमिकॉडेटा बट नाउ इट इज प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन अडेटा देखो लिखा भी है ठीक है तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए हेमिकॉडेटा क्या कॉडेट होंगे नहीं यार जिसको वहाँ से भगा दिया गया उसको क्या मानोगे हेमिकॉडेट्स हेव अ रूडमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल स्टोमो क्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड रोडोमेंट्री मतलब होता फंक्शनल नहीं है काम नहीं कर रहा है तो इसका नाम क्या होता है बेटा स्टोमो कार्ड और किसकी तरह दिखता था नोटोकार्ड की तरह यही रीजन था कि इसको किसके अंदर रख दिए थे शुरू में कॉडेटा के अंदर लेकिन बाद में देखें यह तो बेकार है काम का नहीं है इसलिए हटा दिया गया दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेजन इसके भी मेंबर जा मैक्सिमम क्या हंड्रेड परसेंट ही मान के चलो मरीन्स होते हैं तो अगर कभी हेमिकाडेटा भी, भी मिलेगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा लेकिन एन एक्सक्लूसिवली मरीन टाइप का वर्ड नहीं लिखती कई बार हम जब बोलते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन में तो कई बच्चे कमेंट करते हैं सर हेमिकॉडेटा हेमिकॉडेटा जब एन ने नहीं लिखा है तो हम कैसे बता दें आपको हम तो उस वर्ड को बता रहे हैं ना विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल ट्रिपलोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल ये तो मत याद करो यार कई कितनी बार याद करोगे एक बार हो गया हो गया द बॉडी सिलेंड्रिकल इन कंपोज ऑफ अ एंटीरियर प्रोबासिस कॉलर एंड ट्रंक तो भैया आर्थोकोडा से हम लोग देखते हैं बॉडी डिवाइडेड जैसे आर्थोकोडा की बॉडी डिवाइडेड थी कहाँ कहाँ पे बेटा तो याद थी हेड थोरेक्स एंड एडागन मोलस्का की बॉडी डिवाइडेड थी आपका किसमें तो हेड मस्कुलर फूड और विसरल हम ठीक उसी प्रकार से हेमिकोडेटा की भी बॉडी डिवाइडेड है प्रोबॉसिस में कॉलर में और ट्रंक में सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब ओपन टाइप अरे भाई एनिलीडा के बाद अब क्लोज कब आएगा सिफेलोपोडा यानी मोलस्का का एक्सेप्शन वाला और कॉडेटा में क्लोज आएगा रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एस्क्रिटी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड ये याद कर सकते हो एस्क्रिटी ऑर्गन इसका इंपॉर्टेंट है सिक्सेज आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल देखो दूसरा एग्जाम्पल मिल गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है तो मत याद करो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के तीन एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए आपके पास तो एक हो गया बेटा आपका टीनोपोरा दूसरा हो गया इकाइनोडर्मेटा और तीसरा हो गया हेमिकॉडेटा जिन तीन फाइलम में वर्ड लिखा गया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फाइलम कॉडेटा एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉडेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकार्ड और डार्सल यानी इसमें कुछ कैरेक्टर होंगे जो कॉडेटा को बनाते होंगे जैसे कि नोटोकार्ड पाना डार्सल हालो नर्व कार्ड डार्सल भी होंगे और कैसे होंगे हालो होंगे एंड पेयर्ड फैरेंजियल गिल्सलिट्स और गिल्सलिट्स कैसे होगी बेटा पेयर्ड होगी वो भी फेरेंगे आ जाएगी बायोलैटिकली सीमेटर होंगे ट्रिपल ब्लास्टिंग होंगे सिलोमेट होंगे ऑर्गन सिस्टम होगा पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया ये जो फिगर है आपको इंपॉर्टेंट है याद होना चाहिए तो नर्व कार्ड उसके नीचे नोटो कार्ड पेयर्ड, फेरेंजियल गिल इधर है उस साइड भी होगा और एनएस के बाद क्या पाया जाएगा पोस्ट एनल टेल इस टेबल को लिख लो इस टेबल को एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए और इस टेबल को याद करना सबसे आसान है पूछो कैसे हम लोग किस ग्रुप में आते हैं क्वाडेटा में तो हमारे में नोटो कार्ड कब का पाया जाता है इमरानिक स्टेज में क्योंकि अब बदल गया है किसमें वर्टिब्रल कॉलम में, में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल तो हमारा बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था किस साइड पर पाया जाता डॉर्सल साइड पर और एक गया है तो क्या बोलोगे सिंगल है और अंदर सी एस एफ भरा हुआ है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूट भरा हुआ है तो कैसा है हॉलो है फायरिंग्स परफोर्टेड बाय गिल स्लिट उसमें नहीं होगा हार्ट हमारा किस साइड होता है बेटा वेंट्रल साइड होता है इसका मतलब उसमें किस में होगा डार्सल साइड में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे एबसेंट होता है तो कैसे याद करोगे अपने बारे में सोच लो जो जो तुम्हारा होगा उसका उल्टा होगा जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डार्सल है इनमें क्या होगा वेंट्रल हालो है तो इनमें क्या होगा सॉलिड नॉन कार्डेटा में हमारे में सिंगल है तो इनमें क्या होगा डबल तो बेटा ये फिगर आपको ये जो टेबल है आसानी से याद होना चाहिए फाइलम काडेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला तीन सब फाइलम में डिवाइडेड होते हैं यूरोडेटा दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है सिफेलो काडेटा एंड वटिबरेटा तो ये बेटा यूरोडेटा या ट्यूनिकेटा सिफेलोकाडेटा और वटिबरेटा क्या है बेटा आपके सब फाइलम अब जरा बताओ सब फाइला यूरोडेटा एंड सिफेलो काडेटा और ऑफ एन टू एज अ प्रोटोकॉडेट क्या कहलाते हैं बेटा प्रोटोकॉडेट कहलाते हैं क्योंकि कॉर्डेटा के प्रिमेटिव मेंबर हैं इसलिए क्या बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन फिर आ गया भैया मरीन तो मैंने वहाँ पे लिखा दिया था कि फ़ाइलम टीनोफोरा और सब फाइलम यूरोडेटा और सिफेलोकाडेटा वाला यानी कि प्रोटोकॉर्डेट ए मेंबर में लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली मरीन टर्म टीनोफोरा फाइलम है और जबकि प्रोटोकॉर्डेटा आपका सब फाइलम है जिसमें दो यूरो कॉर्डेटा डेटा इन सिफेलो आते हैं यूरो मतलब होता है टेल इन कॉर्डेटा नोटो का्ड इज प्रजेंट वनली इन लार्वल टेल वो भी टेल में पाया जाएगा वो किसमें लार्वा के वाइल इन सिफेलो कॉर्डेटा, इट एक्सटेंड सिफ्लॉन मतलब होता है ब्रेन हेड तो हेड से टेल तक जाएगा और पूरे जीवन काल रहेगा एंड इज परसिस्ट आउट देयर लाइफ ये नीट 2020 में मैचिंग में ये वर्ड आया था ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल यूरोकार्डेटा एसिडिया सापा डोलियोलम यूएसए की डोली याद कर सकते हो जो इंग्लिश है उसका मतलब है यू से यूरोडेटम सापा एसिडिया डोलियोलम सिफेलोकार्डेटम बेटा आते हैं ब्रैंक्यो स्टोमा ऑक्सेस या लेंसलेट बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है सिफेलोकार्डेटम आता है ब्रैंक्यो स्टोमा ऑक्सेस या लेंसलेट द मेम्बर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकार्ड डरिंग द इम्ब्रॉनिक पीरियड द नोटो कार्ड इज रिप्लेस बाई अ कार्टलैजनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम तो बेटा जो वर्टिब्रेटा ग्रुप जिसमें हम लोग आते हैं इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है कब इम्ब्रॉनिक पीरियड में बाद में ये रिप्लेस हो जाता है कार्टलेजनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉडेड बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेड तो भाई जो भी वर्टिब्रेट है किस फाइलम में आते हैं कॉडेटा में ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट लेकिन कॉडेटा में तो वर्टिब्रेटा के साथ साथ यूर, यूरो यूरोडेटा और सिफेलो कार्डेटा भी हैं उनमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं पाया जाता इसलिए कहा जाता है कि जो ऑल ऑलकार्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होंगे तो वर्टिब्रेटा से पहले जितने भी ग्रुप आते हैं उनको क्या बोलते होंगे इनवर्टिब्रेट क्या बोलते होंगे इनवर्टिब्रेट्स तो अगर देखा जाए ब्रॉड स्केल में तो इन वर्टिब्रेड को तुम लोग क्या मानते हो नॉन कॉर्डेट गलत बात है इन वर्टिब्रेड में आपका कॉर्डेटा के भी कौन सा आ जाएंगे यूरो कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इन जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ना बन पा रही हो बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कॉरेक्टर्स वर्टिब्रेड्स है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद टू थ्री और फोर चैम्बर्स किडनी फॉर एक्सक्रीशन आसमोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेज विच मे बी फिंस और लिम्स इनमें भाई किडनी पाया जाएगा वेंट्रल मस्कुलर हार्ट पाया जाएगा अपेंडेज़ में या तो लिंब होगा या फिन होगा चलने वाले में लिंब होगा तैरने वाले में फिन होगा चलिए वर्टिब्रेटा डिवीज़न, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा लैक्स जॉ बियर्स जॉ ए मतलब एब्सेंट ग्नेथा वर्ड मतलब होता है तीज़ें? तो इस ग्रुप में जॉ नहीं पाई जाएगी स्टोमेटा में क्या पाई जाएगी जॉ पाई जाएगी अब जरा देखो इसमें जो क्लास बनता है उसका नाम क्या है साइक्लोस्टोमेटा तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या नहीं पाया जाता बेटा जॉ नहीं पाई जाती और जो जॉ वाला डिवीजन है ग्रुप है उसमें दो सुपर क्लास बनते ध्यान रखिएगा टेट्रापोडा ये सुपर क्लास है ना कि क्लास है अब पाइसिस ग्रुप में फिंस पाया जाएगा जैसे कि कार्टिलेजनस वाला थाइस और बोनी वाला थाइस और टेट्रापोडा में बेटा लिम्स पाए जाते हैं एम्फीबिया रेप्टीलिया एप्स मेमेलिया ये सब क्लास हैं तो कॉन्ड्रक्थिस थिस एम्फीबिया रेप्टीलिया एप्स और मेमेलिया दीज आर क्लास जबकि बेटा पाइसेस एंड टेट्रापोडा आर द सुपर क्लास ये क्वेश्चन आपको आ सकता है हाँ सुभाष वैसे ही लाइन क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टो पैरासाइड ऑन दे हैव एन इलांगेटेड बॉडी बियरिंग सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ ग्ल फॉर रेस्पाशन साइक्लोस्टोमेटा हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा देयर बॉडी इज डिवाइडेड स्केल एंड पेयर्ड फिंस नीट 2020 के मैचिंग में आया था और नीट 2016 में ये लाइन पूछी गई थी सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स कहाँ मिलेगा तो कहाँ हो गया बेटा आपका ए हो गया आपका मेटा तो बेटा गिल्सलिट्स आपको याद तो होना चाहिए छः से पंद्रह पाँच से सात और हर जगह पेयर होगा और फोर पेयर ये तीनों ग्रुप आगे बढ़ेगा साइक्लोस्टमेटा कॉन्टेक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस साइक्लोस्टमेटा कॉन्डिक एंड ऑस्टिक ठीक है साइक्लोस्टमेटा कॉन्टेक्थिस एंड ठीक है भाई करवा देंगे स्टार्ट होने वाला भी है उसे चल रहा है मैटर सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्स लिट फॉर एक्सपायरेशन साइक्लोस्टोम्स अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉम देअर बॉडीज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फि डिवाइड मतलब होता नहीं पाया जाता एबसेंट होना के बिना अब बेटा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये होता है यहाँ पे देखो लिखा है पेयर्ड फिंस बच्चे ये सोच लेते हैं फिंस नहीं पाई जाती फिंस पाई जाती बेटा लेकिन कैसी होती है अनपेयर्ड होती है पेयर में नहीं पाई जाती बस ये याद रखिएगा क्रैनियम एंड वर्टिब्रल आर काटलेजनेस सर्कुलेशन इज अब क्लोज टाइप का डेटा है तो क्लोज ही होगा साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर ये मरीन होते हैं लेकिन बेटा ये अपने बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ जाते हैं फ्रेश वाटर में आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई क्योंकि भाई उस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल नहीं थे अब वहाँ उनके जो बच्चे हैं वो लारवा हैं वो आफ्टर मेटामार्फोसिस किसमें बदल आ जाते हैं बेटा ओसन में चले जाते हैं दो में पेट्रोमायजॉन लैम्परे में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि वहां पे जो एक लार्वा का नाम दे दिया गया था एमो शीट लारवा और बेटा ये लार्वा आपका पेट्रोमायजॉन या लैम्प्रेम पाया जाता है इसलिए 2015 में जो क्वेश्चन आया था जब ये लाइन लिखी थी वहां पे मिग्जाइन वर्ड भी डाला हुआ था तो लोग कंफ्यूज हो गए यार मिग्जाइन भी दिया है और लैम्परे या पेट्रोमायजॉन भी दिया है तो चूज किसको करें क्योंकि ये लाइन ही उठाई थी तो लार्वा को वहाँ पे नाम डाल दिया था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दिया था तो एमओशीट लार्वा था ठीक है एग्जाम्पल पेट्रोमाजान लैम्प्रे एंड हैक फिश दूसरा नाम मिग्साइन क्लास कॉन्ड्रक्टाइस तो क्लासो साइक्लोस्टोमेटा हो गया अब कॉन्ड्रक्ट थाइस आता है यानी कि काटलाइजनस फिश मरीन होंगे याद रखना अगर बोनी फिश और कार्टलाइजेंस में पूछा जाए तो मरीन फार्म कौन होता है आपका कार्टलाइजनस फिश इंडो स्केलेटन कार्टेजन का माना होगा माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ अब ये लाइन बड़ा खतरनाक हो गई कॉन्ड्रक्ट थाइस को कहाँ पढ़ते हो बेटा वर्टिब्रेटा में और लाइन क्या लिख रहा है ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ ये क्या फीलिंग देता है ये तो यह फीलिंग दे रहा है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया ही नहीं जाता या वर्टिब्री नहीं पाई जाती है। नहीं नहीं पाया जाता है ये जनरल किसी ग्रुप के लिए लिख दिया है ठीक है निल्स लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर कुलम जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं अलग अलग होते हैं और अगर उस पर ढक्कन लग जाता है तो क्या बोलते हैं ओपर कुलम और ढक्कन नहीं लगा है, तो क्या बोलेंगे आपको विदाउट ओपर कुलम जैसे ये देख लो इसका गिल स्लिट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगा है लेकिन अभी बोनी फिश दिखाएंगे तो वहाँ पर ढक्कन लगा होता है तो कवर को बोलते हैं गिल कवर को ओपर कुलम द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल स्केल याद होना चाहिए तो कॉन्ड्रक्ट थाइस और ऑस्टिक थाइस के तीन चार फीचर को आप चार्ट रूमा बना के लिख लीजिएगा टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड ऐसे पीछे की तरफ ऐसे डायरेक्टेड होते हैं तो मुंह में ऐसे लगे हुए हैं कोई अगर प्रे गया बाहर निकलना चाहेगा तो निकल नहीं पाएगा फंस जाएगा तो अगर मान लो अपना पैर सार्क के मुंह में डाल दो तो खींचोगे तो पूरा सार क्या करेगी तुम्हारे पैर को ही लेती हुई चली जाएगी तो उसके जबड़े में मत फंसा उसे देना बच जाना बैकवर्डली तो डायरेक्टेड होती है टीथ आर मॉडिफाइड पैकवर्ड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड देयर जॉ वेरी पावरफुल ये तो सभी जानते हैं मूवियाँ बन चुकी हैं इतनी दीज एनिमल्स आर पेडेसियस शिकारी होते हैं ड्यू टू द एबसेंस ऑफ एयर ब्लडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉयड सिंकिंग डूबने से बचने के लिए इनको लगातार तैरना पड़ता है यानी इनके अंदर कोई ऐसा एयर लाइक ब्लैडर नहीं पाया जाता होगा तो एबसेंट होता है एयर ब्लैडर जबकि वो आपका औस्टिक प्रेजेंट होता है हार्ड इज टू चैम्बर्ड वन आर्किल एंड वन वेंटरकिल सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन ट्रॉपीडो पॉइजनस स्टिंग ट्राइगॉन कोल्ड ब्लडेड होते हैं पॉइकुलोथर्मस होंगे दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर तो ये तीन वर्ड होते हैं बेटा पॉइकुलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्म ये तीनों बात एक जैसी हैं, ये आता है बेटा फिसेस एम्फीविया रेप्टीलिया में वार्म ब्लडेड या इंडोथर्मस या होमियोथर्मस ए वर्ड आता है बेटा आपका बर्ड और मैमल्स के लिए इन मेल्स ए पॉइंट रहा इम्पॉर्टेंट है मेल्स सार्क में पेल्विक फिंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लैसपर्स और बेटा क्लैसपर्स जो होता है ये आपका एक्सटर्नल जेनटीलिया जैसे मेल का पेनविस पेनिस होता है उसकी तरह काम करता है दे हैव इंटरनल फर्टाइजेशन एंड मेनी देम ऑफ वी पैरस ये लाइन भी याद होनी चाहिए फर्टाइजेशन इंटरनल होगा एंड मेरी देम ऑफ वी वी शो करेंगे ज्यादातर ट्राई पीसीएस करके फार्मूला है याद कर भी सकते हो ट्राइगॉन प्रिस्टिस कैरकेरोडान, एंड स्कॉलियोडियोडान होता है बेटा डॉग फिश प्रिस्टिस होता है सॉफिश कैरकेरोडान होता है ग्रेट व्हाइट सार्क और ट्राइगॉन होता है स्टिंग रे इंक्लूड बोथ फ्रेश एंड मरीन ज्यादातर फ्रेश वाटर बोनी इंडोस्केलेटन होगी देयर बॉडी स्ट्रीम्ड लाइन स्ट्रीमलाइन लाइन बॉडी समझिए अगर मान लो पानी में कोई चीज़ चल रही हो और उसकी बॉडी ऐसी टाइप की बनी हो तो जब पानी में चलेगी तो टकराव होगा तो क्या हो जाएगी बेटा उस पर रेजिस्टेंस फोर ज़्यादा लगेगा उसको ज़्यादा पानी हटाना पड़ेगा तब तो आगे बढ़ पाएगा लेकिन अगर ऐसा हो जाता बॉडी तो टकराव कम होगा तो क्या होगा आसानी से पानी को कैसे चीरते हुए चली जाएगी इसी को बोलते स्ट्रीमड लाइन बॉडी माउथ इज मोस्टली टर्मिनल जबकि सार्क वगैरह में कैसे होता था वेंट्रल दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर कुलम गिल कवर होता है बेटा ओपर कुलम से तो मैंने आपको सारे गिल पेयर बता दिए छह से पंद्रह पांच से सात और चार देखो ये जो इनका गिल है ये ओपर कुलम से कवर्ड है इसको हटाओगे तब अंदर गिल स्लिट देखेंगे स्किन इज कवर्ड विद या टीनवाइड जबकि जबकिस में कौन सा था प्लेक्वाइड स्किन एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट अब एयर ब्लेडर है तो इनको हमेशा क्या करना पड़ेगा तैरना नहीं पड़ेगा इनको क्या देगा बेवंसी करेगा हार्ड इज टू शैम्बर्ड होगा वन आर किल वन वेंटर किल दे आर कोल्ड ब्लडर बात अलग है सक्सेस सेपरेट होगा फर्टिलाइजेशन इज हाँ फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल दे आर मोस्टली ओ वी पेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट है ये भी याद रखना ओवी पैरस है और डेवलपमेंट कैसा होता है डायरेक्ट जबकि आपका कार्टिलाइजनस फीस में ज़्यादातर तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बी वी पैरस होता है ठीक है तो दोनों में थोड़ी सी अंतर है तो भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए एक बार कोई बच्चा लिखे टीनोफोरा इकैनोडोमेटा हेमिकोडेटा एंड ऑस्टिकथिस एंड बोनीफिस आगे चल के आ जाएगा फ्रॉग यानी कि एम्फीबिया मैंने आपको दे दिया एक साथ बाकी हर जगह क्या होगा इंटरनल होंगे एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं अब मरीन फार्म में आते हैं एक्जोसीटर दूसरा नाम होता है बड़ा फ्लाइंग फिश हीपो कैम्पस सी हॉर्स फ्रेश वाटर में होता है रोहू कतला क्लैरियस मांगुर एक्वेरियम होता है बीटा फाइटिंग फिश टेरोफाइलम होता है एंजल फिश क्लैरियस मांगुर आपका इकोलॉजी में भी आएगा याद रखिएगा मरीन और फ्रेश वाटर एग्जाम्पल भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मरीन फ्रेश वाटर एग्जाम्पल आपका जब स्ट्रेटजी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी मिलेगा अब बेटा क्लास एम्फीबिया एम्फी मतलब डोल बायास मतलब लाइफ हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है यानी इसमें क्या नहीं पाया जाता नेक नहीं पाया जाता एम्फीबिया में मोइस्ड स्किन होगी द एम्फीबियन स्किन इज मोइड विदाउट स्केल स्केल नहीं पाया आई हैव अ आईलिड अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका अब यहाँ पे एक बड़ा खास बात है फ्रॉग अलग से आप पढ़ते हो तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेगे भी लेकिन याद रखना है कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी सिस्टम होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये बेटा एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसका नाम होता है क्लोएका रेस्पायरेशन इज़ बाय गिल्स लंग्स एंड थ्रो स्किन तीनों प्रकार के रेस्पायरेशन होते हैं गिल्स से ब्रेंकील बोलते हैं लंग्स को पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलते हैं और स्किन के थ्रू जो होता उसको है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है वन आर्किल एंड टू आर्किल एंड वन वेंटरकेल कोल्ड ब्लडेड ए भी होंगे सक्सेस सेपरेट होंगे फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल देखो मिल गया आपका एक्सटर्नल का सारा एग्जाम्पल दे आर ओवी पैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट जबकि आपका वहां पर बोनी फिश में कैसा था डायरेक्ट डेवलपमेंट हा ब्यूफोटोड राना फ्रॉग हाइला ट्री फ्रॉग सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर एक्स लिम्बलेस एम्फीबिया एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन होता है लिम्बलेस एम्फीबिया होता है एक्स इवोल्यूशन जब पढ़ोगे बेटा तो वहां पे आ गया एक्थियोसोर्स ये रेप्टाइल है इसको भी एम्फीबिया मत समझ लेना सौर वर्ड रेप्टल के लिए आता है ठीक है एक कैलियन बना है कैमलस रेप्टाइल द क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इसमें देखिए एक, एक एक हर फीचर इन लोग के आपके याद रहते हैं दे आर मोस्टली टेरिस्टियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड कॉर्निफाइड मतलब उसमें क्या होंगे प्रोसेस निकले होंगे इस जैसे आ, कोई चट्टान पे जाओ और चट्टान पे ऐसे ऐसे क्या हो उभार हो तो उसको बोलते हैं कॉर्निफाइड एपीडर्मल स्केल्स और स्क्यूट दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिमपैनम रिप्रेजेंट द ईयर तो भाई ईयर पिनना तो आपका ना तो एम्फीबियम पाया गया ना तो रेप्टीलिया में लिम्ब वेन प्रजेंट आर टू पेयर्स हार्ट इज यूजली थ्री चम्बर्ड बट फोर चम्बर्ड इन क्रोकोडाइल ये इम्पॉर्टेंट लाइन था तो रेप्टीलिया में हार्ट यूजअली थ्री चम्बर्ड होता है लेकिन फोर चम्बर्ड किस में होता है क्रोकोडाइल पोइकुलोथर्मस पहले बता चुके थे और इनमें कुछ में जो इनकी स्किन होती है क्या होती है एज आ स्किन कास्ट क्या होती है शेड करती रहती है पेडिकली हमारी भी स्किन निकलती रहती हैं लेकिन एज आ कास्ट नहीं निकलती स्लफिंग होती है कभी हाथ की कभी माउथ की कभी ऐसे अलग अलग पार्ट का अलग अलग समय पे करेगा एज अ होल निकलता तो कितना मज़ा आता है हमारा एक स्किन का क्या बनता है ढांचा बन जाता है जैसे कि रेप्टाइल में स्नेक का बनता है फर्टिलाइजेशन मत याद करो ओवी पेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट ये पढ़ लेना फर्टिलाइजेशन अब आपका सब इंटरनल वाले हैं एक्सटर्नल वाले सारे अलग से लिखवा दिया एग्जाम्पल बेटा किलोन टर्टल टेस्टिडो टॉर्टवाइज कैमिलियन ट्री फ्रॉग कैलोट्स गार्डन लेजेंट दो बार आ चुका है क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल एलिगेटरा एलिगेटर हेमीडक्टाइलस वाल लेजेंट पॉइजनस स्किन में आपका आता है नाजा तो बेटा आपको एग्जाम्पल अब हम आपका अगर एन लाइन बाय लाइन करा रहे हैं तो एग्जाम्पल आपको याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी एक बार आज शाम को सर जब पूछेंगे तो वहाँ पे सारे एग्जाम्पल सर भी बोलेंगे द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड भाई इनमें फ़ीदर पाया जाएगा और इनमें से ज़्यादातर क्या करते हैं फ्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी होती हैं जो फ्लाई नहीं करते जैसे ऑस्ट्रिच हो गई एमू हो गई ठीक है दे पोसेस बीक द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग अब भैया इनका जो विंग्स होता है कौन सा लिम्ब होगा तो जैसे हमारा हाथ ही सारा मॉडिफाइड होता है हैंड लिम्ब तो चलने में ही आता है तो जैसे हमारे में फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो गया दूसरे काम करने में ऐसे इनका फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो गया विंग्स में द हैंड लिम्ब जनरली हैव स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल इनके स्किन में बेटा कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती लेकिन टेल में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है ऑयल ग्लैंड हाँ पेगविन भी होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका इंडो स्केलेटन बोनी का होगा लॉन्ग होगा लेकिन इनमें हवा में उड़ना है तो बोन हल्का होना चाहिए तो एयर कैविटी पाई जाएगी जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज़ अ एडिशनल चैम्बर क्रॉप एंड गिजर्ड ये आया था बेटा आपका 2018 में तो बेटा यहाँ से ही क्वेश्चन आया न्यूमेटिक वन 2021 में आया और 2018 में आपका गिजर्ड आया है तो ऐसा नहीं कि आप कॉडेटा में ये सब भूल जाइए इससे क्वेश्चन बनते हैं हार्ड इस कंप्लेटिव फोर चैम्बर्ड हो गया दे आर वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस एनिमल एंड आर एबल टू मैंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर तो भाई होम्योथर्मस वार्म ब्लडेड इंडोथर्मस आपके रेप्टाइल बर्ड होते जनरली आप याद रख सकते थे बेटा क्रॉप एंड गिज़र्ड आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे तो कॉकरोच जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपका क्रॉप और गिज़र्ड पाया जाता है ठीक है <coughs> रेस्पायरेशन लंग्स के जरिए होगा एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन याद रखना एयर ब्लैडर वर्ड आपका आया था ऑस्टिक थिस में यहाँ पे एयर सैक है एयर ब्लैडर नहीं ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा वो ही पैरट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट कार्बसक्रो कोलम्बा पिजन सिटेकुला पैरट स्ट्रीथियो ऑस्ट्रिच पावोपिकॉक एप्टीनोडाइट्स पेंगविन पेंग्विन बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना बर्ड है लगता है कि मछली है पानी में रहने वाला ना न्यूफ्रान वल्चर क्लास मेमिलिया दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट पोलर आइस कैप डिजर्ट माउंटेन फॉरेस्ट हर जगह पाए जाएंगे मैमेलिया हम लोग भी आते हैं ना तो शैतान हम लोग सम ऑफ देम हैव समेम टू फ्लाई और लिव इन वाटर तो मेमेलिया ऐसा ग्रुप है कोई जगह नहीं छोड़ा हवा में भी उड़ गया पानी में भी चला गया बर्फीले चट्टान दुनियादारी हर जगह तो मैमल में हम लोग आते हैं सबसे खतरनाक तो हम ही लोग होते हैं द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर ये आपको याद होना चाहिए इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मैमरी ग्लैंड बाय विच वंस आर नरिश्ड तो भैया इसीलिए तो मेमेलिया ग्रुप रखा गया था मैमरी ग्लैंड पाए जाने वाला दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइम्बिंग बरोइंग बरोइंग मतलब बिल बनाना स्विमिंग और फ्लाइंग द स्किन स्किन में हेयर पाया जाएगा बॉडी हेयर्स देखो एक 2017 में आया था हॉर्स का ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला मेमल इज यूनिक इज प्रोसेसिंग हेयर्स तो बॉडी हेयर्स पा जाएंगे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी पाया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रजेंट इन द जो हार्ट इज फोर चैम्बर्ड होगा होम्योथर्मस तो होगा ही होगा रेस्पायरेशन लंग्स के जरिए होगा सेक्सेज़ आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होंगे वी वी पेरस होंगे डेवलपमेंट कैसा होगा डायरेक्ट लेकिन एक्सेप्शन लिखा है और एक्सेप्शन आ भी गया ओ वी पेरस होता है ऑर्निथोरिंकस ऑर्निथोरिंकस का दूसरा नाम होता है प्लेटिपस बाकी सब कैसे वीवी पैरस मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स बैट कैमिलस, कैमल मकाका, मंकी रेटस रेट कैट, एलिफस एलिफेंट यानी सबका जीनस नाम लिखा है इक्वस हार्स डेल्फाइनस कॉमन डेल्फिन ब्लू ब्लूवेल तो याद रखना जो डेल्फाइनस डेल्फिन होता है और जो आपका पेगविन है तो पेगविन बर्ड ग्रुप में आता है और डेल्फिनस मतलब डॉल्फिन आता है मेमेलिया में ब्लू वेल भी मेमेलिया लगता है मछली वेल मछली वेल मछली ऐसे बोलते हैं पैंथराटि टाइगर पैंथरा लियो लाइनन नीट दो में डेल्फिनस और ब्लू वेल बैलिन के बारे में पूछा था द दैलियन डिस्टिंग फीचर ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कम्प्रेहेंसिवली गिवन इन द टेबल 4.2 पॉइंट टू तो आपको यही पढ़ना था खाली एक्चुअली रोहित बोला तो स्टार्ट हो रहा परेशान तो बेटा ये डिस्टिंकटिव फीचर को ही आप प्रिंट बनाइए और जितनी चीजें पढ़े हैं आप इसको इसमें लिख लीजिए एक्स्ट्रा ठीक है तो बेटा ये रहा आपका किंगडम एनिमेलिया इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से अब बेटा आज का ये यूनिट वाइज बायो रिविजन टेस्ट सीरीज का एक यूनिट खत्म होता है अब नेक्स्ट आपका मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मार्फोलॉ यूनिट सेकंड ऑफ एनसीआरटी सेकंड तो अल्टरनेट करके है बेटा तो पहले था सेकंड के पहली यूनिट फर्स्ट की पहली यूनिट अब सेकेंड की दूसरी यूनिट होगी जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिकुलर एंड इवोल्यूशन हाँ निवेदा स्टार्ट होगी ऐसा नहीं है कि अभी ऑलरेडी बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं अलग से तो इसकी भी स्टार्ट होगी जैसे ही उसको ख़त्म होगा इसका सिलेबस बन रहा है और ध्यान दीजिए दो बजे इसका पी है और छः बजे इस पूरे यूनिट का क्या है रैपिड फायर रिविजन है तो जरूर ज्वाइन करिए देखिए आपको कितना याद है कितना तैयार है ठीक है बच्चों तो थैंक यू सो मच लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए बाय बाय टेक केयर